क्या राजस्थान में लगेगा राष्ट्रपति शासन? बीजेपी ने भी बनाया बड़ा प्लान। इस खेल में कांग्रेस को कितना नुकसान? कांग्रेस के पास अब क्या है विकल्प? सचिन पायलट से ऐसी क्या है खुन्नस? उन्हें रोकने के लिए हाई कमान से टकरा गए अशोक गहलोत। राजस्थान के सियासत में अशोक गहलोत 40 साल से कांग्रेस का चेहरा बने हुए हैं, लेकिन जब बात उनके सियासी उत्तराधिकारी की आई तो राजस्थान की राजनीति में संग्राम छिड़ गया। कई दिनों से मचे घमासान के बीच मंगलवार को सचिन पायलट दिल्ली तो पहुंच गए, मगर रास्ता क्यों नहीं निकल रहा? समझिया, राजस्थान में 80 से ज्यादा विधायकों के इस्तीफे देने की खबरें उड़ी। सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बात की, अपनी वफादारी का सबूत दिया और कह दिया, मैं कभी कांग्रेस हाईकमान को चुनौती नहीं दे सकता। अब सवाल ये कि क्या राजस्थान राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ने लगा है? एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के अंदरूनी कलह को लेकर हमला कर रही है और बीजेपी के नेता मौजूदा स्थिति को देखकर राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत कर रहे हैं। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने ट्वीट पर लिखा कि राजस्थान में मौजूदा राजनीतिक स्थिति राष्ट्रपति शासन की ओर इशारा कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आप नाटक क्यों कर रहे हैं? कैबिनेट के इस्तीफे देने में देरी क्यों हो रही है? आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि स्पीकर को पार्टी विधायकों के द्वारा दिए गए इस्तीफे स्वीकार कर लेने चाहिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस विधायकों ने अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया है, ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कांग्रेस में कलह का खामियाजा राज्य की जनता क्यों भुगते? जा रहा है कि सतीश पुनिया भी दिल्ली पर नजर गड़ाए हुए हैं। माना जा रहा है वो दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ राजस्थान के हालात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। पुनिया एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि सचिन पायलट के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद नहीं है, वो आना चाहे तो वेलकम है। कई दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक राजस्थान में कांग्रेस कोई फैसला नहीं ले पाई है। इस खेल की शुरुआत तब हुई जब गांधी परिवार अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में उतारना चाहता था। ऐसे में राजस्थान के सीएम की कुर्सी खाली हुई तो सभी की नजर सचिन पायलट पर जा पड़ी। लेकिन गहलोत और सचिन पायलट के रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं रहे, इसलिए गहलोत गुट के विधायकों ने इस्तीफा देने का ऐलान तक कर दिया। विधायकों के इस्तीफे की खबर आई, आला कमान हिल गया। आरोप लगे कि ये पूरा खेल गहलोत ने खुद रचा। दरअसल गहलोत गांधी परिवार के वफादारों में गिने जाते हैं, ऐसे में गहलोत सीधे तौर पर सचिन के नाम का खुलकर विरोध नहीं कर सकते, इसलिए गहलोत गुट के विधायकों के जरिए अपना संदेश साफ दिल्ली तक पहुंचा दिया, जिसके बाद से कांग्रेस में कोहराम मचा है। अब सवाल यही कि इस कोहराम का अंत क्या होगा? इतना जरूर है, गहलोत ने गेम कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।